वेलकम टू जेके न्यूज़ टुडे। कहते हैं ना कि कुछ लोगों का ऑरा ही बहुत अच्छा होता है, तो वैसे ही एक ऑरा के साथ हमारे साथ हमेशा जेके न्यूज़ टुडे के स्टूडियो में आती हैं डॉक्टर हर्षदीप जोशी, जो लाइव टैरो कार्ड सेशंस करते हैं। तो आज एक बार फिर से वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लाइव टैरो कार्ड सेशन के लिए। और अगर आप भी लाइव टैरो कार्ड सेशन करवाना चाहते हैं तो हमारे पोस्टर में दिए फ़ोन नंबर पर कॉल कीजिए, या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, या इसी फेसबुक लाइव के नीचे कॉमेंट कीजिए। तो वेलकम बैक डॉक्टर हर्षदीप जोशी। थैंक यू सो मच मुक्तीश। तो मैम कैसा लग रहा है वापस आके, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, कुछ मिस किया आपने? मैंने बिल्कुल मिस किया। दिस इज माय हॉबी एंड लाइक आई सेड आई डू इट एज माय हॉबी एंड अ पैशन, नॉट समथिंग फॉर माय आई कैन नॉट समथिंग मटेरियलिस्टिक अटैच टू इट, बट जस्ट एज अ हॉबी एंड आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल आउट थ्रू दिस हॉबी ऑफ माई। यही हमेशा मेरा रहता है। येस लाइक आई सेड इन माई प्रीवियस इंटरव्यू दैट मुझे थोड़ा इसको नया शेप नया डायरेक्शन देना था, विच आई एम ट्राइंग टू गिव, एंड मे बी विल कम अप विद समथिंग न्यू समथिंग फ्रेश फॉर आर ऑडियंस। तो अभी क्वेश्चन आने में थोड़ा शायद थोड़ा टाइम है, तो तब तक हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बात करते हैं। आपने लास्ट टाइम कहा था कि इलेक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं, जल्दी होंगे नेक्स्ट ईयर तक, तो आज वो साल आ चुका है और ये कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि इलेक्शंस जो हैं, चलो लोकसभा हो भी गए तो अभी असेंबली इलेक्शंस जो हैं, जो अटकलें लग रही हैं, क्या जम्मू कश्मीर के लिए सही समय है इलेक्शंस का? कि मैं एक चीज़ मानती हूँ कि ठीक है ये मैं चीज़ चेक कर लेती हूँ, बट मोर देन दैट बीइंग द डॉटर ऑफ द सॉइल आई एम मोर कंसर्न्ड विद द वेल बीइंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो मैं जनरली एक थ्रू द कार्ड्स में देख लेती हूँ दैट वॉट J&K will go through in the near future. देखिए मुक्तीश, मैं अगर आपको बताऊँ लाइक व्हाट द कार्ड्स आर शोइंग मी दैट अगर हम इसको पॉलिटिकली कहें या वैसे जैसे एक ह्यूमन बीइंग के साथ होता ना लाइक आर बॉडी वर्क्स, वैसे ही मुझे लगता है कि हर एक जगह भी काम करती है। एंड दिस द इशू ऑफ J&K नीड्स अ लिटिल ब्रेक, कि थोड़ा सा सबको चाहिए कि थोड़ा सा जम्मू और कश्मीर को ब्रीद करने दें। जैसे हम किसी वेकेशन पे जाते हैं वैसे ही ऐसे लगता है कि थोड़ा सा आ प्लेस नीड सम टाइम टू ब्रीद फॉर इट्सेल्फ, बिकॉज देर वुड बी कन्फ्यूजन्स, देर वुड बी सम चैलेंजेस विच J&K माइट फेस। बस यस हैविंग दैट सेड दैट वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो कि दिल से हमारे लिए काम करेगा। बट मैं कहना नहीं चाहती, बट इट कुड बी दैट नेक्स्ट 5 मंथ्स थोड़े से हमारे अप्स एंड डाउन्स, वी माइट फेस सम डिसअपॉइंटमेंट्स, जो हम चाहते हैं जो हमारी आशाएं हैं थोड़ा सा हम डिसअपॉइंट हो सकते हैं उसको लेके। सो इट इज़ लाइक लाइफ कम्स इन गुड बैड पैकेजेस, तो ये दोनों ही हो सकते हैं। बट जो इम्पॉर्टेंट है दैट दिस प्लेस नीड सम टाइम टू ब्रीद, द पीपल नीड सम टाइम टू ब्रीद, दैट्स व्हाट द कार्ड शो। तो मैम हमारा जो पहला यूजर है उन्होंने अपना सवाल भेज दिया है, ये अखिल रैना है तालाब तिल्लो जम्मू से। ये पूछते हैं कि ये अभी फिलहाल एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं जो कि एक रिमोट वर्किंग है, और उसके साथ साथ ये पिछले कुछ सालों से ट्राई कर रहे हैं गैस एजेंसी के बिजनेस के लिए। तो क्या इनका जो गैस एजेंसी का बिजनेस है वो फ्रूटफुल रहेगा, क्या उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए अभी या नहीं, या कुछ समय वेट करना चाहिए? मैं देख लेती हूँ।
अखिल जी, आपका पिछले 9 मंथ से यू मेकिंग अ गुड मनी, यू इंडिपेंडेंट, आपका बहुत अच्छा रहेगा और आने वाले 6 मंथ्स में ये काम और भी फ्लरिश करेगा. आप इसी काम को कंटिन्यू रखें, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स इन दिस एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स यू विल मेक गुड मनी और आपका फाइनेंसिस बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे. सो आई डोंट सी एनी नेगेटिव कार्ड इन दिस. लाइक वट एवर ही इज डूइंग, वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू इन फ्यूचर ऑल्सो, इट बी वेरी प्रॉमिसिंग एंड वेरी फ्लरिशिंग. प्लस अखिल जी को मैं एक बहुत ही इंडिपेंडेंट सेटअप में देख रही हूँ एंड विच ही इज वेरी मच फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. ही इज गोना मेक मोर इन कमिंग 6 मंथ्स विद, और जो ये पैसा बनाएंगे मे बी ही हैज सम सेलिब्रेशन ऑल्सो इन स्टोर फॉर हिम इन नेक्स्ट 6 मंथ्स. हमें एक कॉल भी आ रहा है, उठाते हैं. हेलो जी, नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित कोल है. हाँ जी सुमित जी, आप क्या सवाल है आपका? आप अभी जॉब कर रहे हैं फिलहाल या क्या हुआ? अभी नहीं, मैं वो लैपटॉप पर दिया गया था तो उस वजह से. अच्छा, तो मैं ढूंढ रहा हूँ अभी कहीं पे भी इंटरव्यू सही से नहीं हो रहा कहीं. सुमित कॉल जी, आप कहाँ जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं? मैं मैम नोएडा में. नोएडा, लेट मी चेक फॉर यू आपकी जॉब. आप स्पेसिफिकली नोएडा में चाह रहे हैं? जी जी, या वर्क फ्रॉम होम भी चलेगा. ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ? मेरी 23 जनवरी 1994. ओके, सुमित जी आपके जॉब लगने के चांसेस तो बहुत अच्छे हैं. और कुछ ऐसा हो रहा है क्या, लाइक इज इट रिलेटेड टू सम टेक्नोलॉजी? यस मैम. तो यू माइट हैव सम राइवल्स इन दिस. ओके मैम. यू माइट हैव सम ओपोनेंट्स इन दिस, कॉम्पिटिटर्स कह लो, कुछ भी कह लो. देयर इज वन पर्सन हु माइट ट्राई टू यू नो डोमिनेट अ लॉट इन दिस. But ये next 5 months का scenario, but overall I can see that in next 3 months you might get some positive news for it and you might get this offer as well. आपकी तरफ ये job चल के आएगी. मैम मेरा छोटा भाई है, उसका है 2 जनवरी, सॉरी मेरा बड़ा भाई है, एक साल बड़ा है मुझसे. क्या नाम है उनका? उनका नाम है सुशांत. सुशांत. तो जी, तो उनका 2 जनवरी 1993 है, तो उनका मतलब वो जॉब चेंज करना चाहते हैं. तो क्योंकि उन्होंने लैपटॉप, उन्होंने कुछ छोड़ दिया जॉब, तो वो रिक्रूटमेंट फील्ड में थे. तो मैं तो डिजिटल मार्केटिंग हूँ, तो आई जस्ट वांटेड टू चेक कि उनकी जॉब का क्या मतलब, अभी वो कहीं इंटरव्यू में जाने को कब स्टार्ट करना चाहिए. योर जॉब सिनेरियो फर्स्ट, लाइक नेक्स्ट 5 मंथ्स. डिजिटल मार्केटिंग, आई एम नॉट वरीड अबाउट माय, बट हिज इज मोर यू नो. हिज नेम इज सुशांत. सॉरी, हिज नेम इज सुशांत. Yes, ma'am. So you want to check about his job? Yes. That he wants to switch his job? Yeah, he's yes, saying ki wo kisi aur industry mein kaam kar raha tha, wo kisi aur industry mein ab jana chahta hai. Kis industry mein jana chah rahe hain? Wo digital marketing mein. Okay, can I ask you something? Is he struggling a lot for this job since last 8 months? Yes. और इसमें उनको dejection भी मिली है since past 5 months he is not feeling very great about it. Yes. Okay, next 6 months, maybe through some elders' advice, आपके घर में आपकी mother हो या grandmother हो, like somebody, through some lady. This will happen in future in coming 6 months. Unka ho jayega and it will be a good promising one even if he wants to switch. Abhi tak jo unka main past mein dekh rahi hu, he's been struggling for it. He's got dejections. But yes, next 6 months if he wants to switch,
इट विल टर्न आउट टू बी प्रॉमिसिंग फॉर हिम. जो उन्होंने हार्डवर्क किया उसके फ्रूट्स उनको मिल जाएंगे. सो ही विल हैव हिज ओन सेटअप इन विच ही विल इंजॉय एंड बी रिलैक्स्ड विद दिस जॉब. बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक एट लीस्ट 6 मंथ्स. बट यस, जो भी गाइडेंस आपके कोई बड़े आपको दे रहे हैं या अपने एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं या आप कहते हैं ना कभी कोई आशीर्वाद ही दे रहे हैं, सो टेल हिम टू डू सीक, ही शुड सीक दैट. ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम. तो हम यहाँ पे एक और सवाल जो है आ चुका है एक यूजर से. उनका सवाल ये है कि उनकी, उनका नाम है सिमी पडयाल, जम्मू से ही है. उनका सवाल है कि उनकी अभी नई नई शादी हुई है तो उनके आगे शादी का जो पूरा का पूरा जिंदगी रहेगी, शादीशुदा जिंदगी रहेगी, वो कैसी रहेगी? मैं जानना चाहती हूं सिमी बडयाल जी. जी सिमी जी के लिए मैं ऐसा बता दूँ, लाइक ओवरऑल जब हम कार्ड्स निकालते हैं आई आस्क फॉर स्पेसिफिकली मैरिड लाइफ, बट यस, सिंस लास्ट 9 मंथ्स एज अ लेडी शी इज़ इंडिपेंडेंटली वर्किंग एंड इंडिपेंडेंटली मेकिंग मनी फॉर हर सेल्फ. इंडिपेंडेंट हैं ये. शादी को लेके यस, अगर कुछ इनको लग रहा है तो उसमें देयर विल बी अ डिवाइन इंटरवेंशन. कमिंग 6 मंथ्स वुड बी अ टाइम ऑफ गुड न्यूज़, इम्प्रूवमेंट, सम सेलिब्रेशन टाइम. और किसी चीज़ को लेके जैसे होता है ना कि हम शादी में भी चाहते हैं देर शुड बी सम इक्वालिटी, जस्टिस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, वो इनको मिल जाएगा. सो लाइक कमिंग 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड हम ले लें, इट विल बी प्रॉमिसिंग फॉर हर, इट विल बी फुलफिलिंग फॉर हर. बट ये खुद भी इंडिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली, तो कुछ गुड न्यूज़ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कमिंग 6 मंथ्स. और अगला सवाल आकाश भगत से आया है. ये कॉलेज में सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और ये अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी. बट ये कह रहे हैं कि सेकंड ईयर में इनको समझ आ गया है कि इनको आगे करियर इसमें नहीं बनाना है. अच्छा, तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में नहीं बनाना है, तो उन्हें क्या ऐसी चीज़ ऑप्ट करनी चाहिए जो उन्हें करियर में आगे हेल्प कर सके? बायोटेक्नोलॉजी में जी, क्या नाम है इनका? आकाश भगत, ये कठुआ से हैं. ये बाहर जाने के बारे में सोच सकते हैं, बट इनका ये है, ये जो भी ऑप्ट करें इनको पहले अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा. ही हैज़ टू कंट्रोल हिज टेम्परामेंट ऑन दैट. और अभी ये जो भी कर रहे हैं ये सिर्फ उससे बर्डन फील कर रहे हैं. बट यस, आगे इनको अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं. बट थोड़ा सा अगर ये अपना विजन ब्रॉड रख के, इफ ही थिंक्स अबाउट सम अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ गोइंग अब्रॉड, तो इनके लिए थोड़ा फ्रूटफुल हो सकता है. थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं इफ़ ही ब्रॉडन्स हिज विजन, इफ़ ही ट्राइज टू गो अब्रॉड या कुछ बाहर जाके कोर्स करना चाहें, वो ये ट्राई कर सकते हैं. ओके मैम, फेसबुक पे हमें भी लाइव पे कमेंट आया है. इनका नाम है हिमानी कंधारी. सो शी सेइंग कि आई हैव डन माय मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज फ्रॉम जम्मू ओनली. आई वॉन्ट टू आस्क अबाउट माई लव लाइफ एंड करियर. आई स्पेशली वॉन्ट टू नो अबाउट माई करियर. माई डेट ऑफ बर्थ इज 14 सितंबर 2001. जी को ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. ये जहाँ पे भी हैं, जहाँ काम कर रही हैं, वट एवर शी इज़ डूइंग, दैट हैज़ द डिवाइन ब्लेसिंग्स
वो सीधा लाइक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटीज हैं. कमिंग टाइम शी विल रूल लाइक अ क्वीन, एंड इनके 1 साल में रिश्ते की बात हो सकती है, एंड दैट पर्सन वुड बी लाइक पर्सन परफेक्ट, लाइक मिस्टर परफेक्ट टाइप्स. ही विल हैव एवरीथिंग, ही विल मेक हर इमोशनली सिक्योर. पैसा काफ़ी होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंड द पर्सन वुड बी फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड. तो इनका चाहे कैरियर कह लो, चाहे पर्सनल लाइफ कह लो, एवरीथिंग आई सी इज़ जस्ट फ्लरिशिंग, एंड विद इन 1 ईयर शी विल गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग विच शी वॉन्ट्स. अगला सवाल बहुत ही अतरंगी है, क्योंकि इन्होंने एनोनिमस रखा है अपना मैसेज, और ये कह रहे हैं कि ये इस समय दो लड़कियों के साथ थे, डेट कर रहे थे उनको, बट अब उन दोनों लड़कियों को पता चल गया है। उनमें से एक लड़की जो है वो वापस उसको माफ़ करके उनके साथ वापस रह रही है, तो क्या ये उनके लिए सही रहेगा या वो उसको भी छोड़ दें? बिफोर आई टेक दिस क्वेश्चन, ओके लेट मी टेक दिस क्वेश्चन. इनका नाम अनोनमस है, तो चलो अब अनोनमस का ही जिनका ये क्वेश्चन है. ये लड़की तकरीबन 4 महीने पहले इनकी लाइफ में वापस आई, और तब जाके इनको थोड़ा रिलीफ हुआ है कि और दिस गर्ल हैज़ बीन वेरी इंडिपेंडेंट. इन्होंने इनकी लाइफ में काफ़ी अच्छा कुछ लेके आया है, बट आगे जाके चीज़ें इनके लिए ख़राब हो सकती हैं. इनके लिए ठीक यही रहेगा कि अगर ये अपनी फैमिली की चॉइस से जाके कुछ अपने लिए अरेंज मैरिज के बारे में सोचें, एंड मतलब अभी तक चीज़ें ठीक हैं, वो आई भी ठीक इंटेंशन से, बट आगे जाके देर कुड बी सम नेगेटिविटी. तकरीबन 6 महीने में आप लगा लो कि कुछ ऐसा हो सकता है कि ये दोबारा ट्रैप्ड फील करेंगे, दोबारा स्टक फील करेंगे. ही वुड फील दैट ही इज़ टाइड अप इन शैकल्स. बेटर फॉर हिम वुड बी दैट इन कमिंग 10 मंथ्स अगर कोई घर वाले रिश्ता बताते हैं, इफ देर इज़ समथिंग अरेंज्ड इन स्टोर फॉर हिम, ही मस्ट ही कुड कंसिडर. अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू कि आज के यूथ में ये सब होता है, कि इतनी कन्फ्यूजन क्यों होती है कि उनका पार्टनर जो है वो आप कौन एक होना खुद चाहिए? यूथ हैं, आप मुझे पहले बताएं, देन आई विल आंसर दिस. हाँ, मतलब कन्फ्यूज रहते हैं शायद कि आज जो हमारे साथ है, तो शायद हमें लगता है कि कंफ्यूज्ड नहीं रहते हैं बेसिकली. आज के यूथ को इतनी ज़्यादा चेंज चाहिए ना अपनी लाइफ में. दे वांट समथिंग हैपनिंग, दैट समथिंग शुड बी हैपनिंग. माइंड यू इट्स अबाउट लाइफ. ये मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं. इफ़ यू कैन नॉट स्टिक टू वन पर्सन, सबसे बड़ी बात है कि आप अगर एक इंसान के साथ लॉयल नहीं रह सकते, वो कहीं ना कहीं आप उस इंसान को चीट नहीं कर रहे, वो आप अपने आप को चीट कर रहे हो. और ये चीज़ मैंने देखी बहुत कॉमन है. एंड वन मैसेज आई वॉन्ट टू गिव टू यंगस्टर्स, बहुत सारे खाली यंगस्टर्स क्यों, आई सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऑल्सो. आई डोंट नो वाई खाली यूथ में मेनी पीपल आर जस्ट गेटिंग डेस्परेट फॉर वॉट, आई डोंट नो. दे आर नॉट कंटेंटेड. और वो क्यों नहीं है, बिकॉज मैंने लास्ट ईयर WHO का भी डॉक्यूमेंट पढ़ा था, इवन लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर. आपको इफ यू रिमेंबर जब हमने आपकी खातिर लॉन्च किया था कश्मीर में, WHO itself says that the more you deviate from your traditional values, the more you're prone to depression. तो अगर हम देखें कि वो काम करना रूटीन में, एक ग्रेटिट्यूड ऊपर वाले को देना, दैट स्पेस, दैट सेक्रेट स्पेस दैट यू क्रिएट फॉर योर सेल्फ, जब वो ही नहीं है तो आपके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको प्रोटेक्ट करे, तो आप तो कंटेमिनेशन ही अट्रैक्ट करोगे ना. सो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग वेन यू आर नॉट क्रिएटिंग अ सेक्रेट स्पेस फॉर योर सेल्फ. मुझे ऐसा लगता है दैट आर ट्रेडिशंस, आर वैल्यूज़ आर आर सेवियर्स. हमारे संस्कार हमें बचा रहे हैं. तो अगर हम एक्सपेरिमेंट इंसान के पास करने के लिए क्या चीज़ है सिवाय अपनी बॉडी के. सो इफ़ यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद योर ओन बॉडी, देन यू कैन वेल इमेजिन व्हाट हैवक यू कैन क्रिएट फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स. इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है और आया है। वो कह रहे हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें कुछ
कुछ महीने पहले डम्प कर दिया था, बट वो आज भी उनका वेट कर रहे हैं। उनकी गर्लफ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ है 8th ऑफ अगस्त 2001। वो चाहते हैं कि क्या उनकी लाइफ में वो वापस आएंगी कभी। क्या डेट ऑफ बर्थ है उनकी गर्लफ्रेंड का? 8th अगस्त 2001। देखिए, इनकी गर्लफ्रेंड थोड़ी कूल है, चिल्ड आउट है। वो आएंगी भी तो इनका बेवकूफ़ बनाने, आएंगी भी तो इनका पैसा लेने। इट इज़ बेटर कि ये आगे वेट करें, देयर सम बेटर अपॉर्चुनिटी इन स्टोर फॉर हिम। कुछ और आएगा इनके लिए जो कि इनको ज़्यादा सिक्योर करेगा देन दिस पर्सन। एजाज शाह जो है वो कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा फ्यूचर बोलो जी मैम, मुझे कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड नहीं मिलती है, मुझे सब इग्नोर करते हैं। एजाज शाह, जी, आज सारे सवालों में ये रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेटेड ही आ रहे हैं मैक्सिमम। देखो इसलिए आ रहे हैं बिकॉज वी डिड अ प्रोग्राम ऑन रिलेशनशिप ऑन 12th ऑफ जुलाई 2022। आपने देखा है जो परिंदे होते हैं वो परिंदों से बात करते हैं, जी जानवर होते हैं वो जानवरों से बात करते हैं, लेकिन इंसान इंसानों से बात नहीं करते। दे हैव स्विच्ड मोर टू टेक्नोलॉजी, और यही कारण है दैट जो इंसान इंसान को दे सकता है वो कोई टेक्नोलॉजी, पैसा या कोई भी इनएनिमेट चीज़ नहीं दे सकती। दैट्स वाई दीज प्रॉब्लम्स आर क्रॉपिंग अप मोर। लाइक आई सेड दैट पीपल वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट, दे आर डेस्परेट टू डू समथिंग न्यू, समथिंग हैपनिंग, और वो हैपनिंग क्या उनको खुद ही नहीं पता। आप इनका नाम रिपीट करेंगे? एजाज एजाज शाह। शाह। अगर तो ये इस पर्सन की बात कर रहे हैं तो कुछ इनको डम करके, शी इज़ बीन इन टू सेलिब्रेशन मोड सिंस लास्ट 3 मंथ्स। एजाज जी ने अपना बहुत स्ट्रेंथ रखा हुआ है, ही विल हैव इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज, बट द कार्ड्स सजेस्ट फॉर हिम दैट टेक अ ब्रेक फॉर योर सेल्फ। थोड़ा सा अपने लिए काम करें, हॉलीडे पे जाएं, थोड़ा रिलैक्स करें और थोड़ी देर अपनी मस्ती में आ जाए। थिंग्स विल वर्क आउट फॉर हिम, क्योंकि अभी जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है। दैट जी पर्सन हैज़ सिंस लास्ट 3 मंथ्स शी इज़ इंजॉइंग हर लाइफ एंड ही इज़ द वन हु इज़ जस्ट कीपिंग स्ट्रेंथ। अब वो स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा अब उन्होंने रख लिया, नाउ ही नीड्स लिटिल ब्रेक फॉर हिम सेल्फ। थोड़ा सा ये अपने ऊपर अंदर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे इनको क्या चाहिए, मे बी ही विल गेट हिज आंसर्स, और थोड़े से मस्त हो जाए थोड़ी देर के। इंजीनियर निधि सूरी पूछ रही हैं कि मेरा फ्यूचर बताइए। नितेश सूरी, निधि सूरी, आज अगर रिलेशनशिप्स को ही लेके आते रहे फिर तो ये टैरो सेशन अनएंडिंग हो जाएगा। मैं अपने दर्शकों को ये भी बोलूंगा कि अगर आपका जो भी सवाल है वो प्लीज थोड़ा सा स्पेसिफिक रखिए, और अपने साथ साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ भी रखिए दीजिए, ताकि और क्लैरिटी मिल सके। निधि जी, पिछले 3 महीने से आप कुछ कंफ्यूज हैं, यू आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। इट्स ओके, यू आर मेकिंग मनी, यू हैव सिक्योर्ड योर फाइनेंसेस, यू होल्डिंग देम टाइट, यू होल्डिंग योर एसेट्स, बट निधि जी को थोड़ा कुछ बातें परेशान कर रही हैं जिसकी वजह से इनको नींद नहीं आ रही। मे बी इट कुड बी सम रिलेशनशिप इशू जिसमें सम थर्ड पर्सन इज़ मे बी मैनिपुलेटिंग थिंग्स, जिनकी वजह से इनको नींद नहीं आ रही और थोड़ा सा एंग्जाइटी और स्ट्रेस में ये रह रही हैं। आई थिंक अब हम एक आखिरी सवाल लेते हैं। तो आखिरी सवाल लेने से पहले मैम, आप बताइए कि
आप इतने महीने बाद आए हैं, तो इतना लेट क्यों हो जाता है आपके सेशंस में? कि लाइक आई सेड, व्हेन यू वांट टू अचीव बिगर थिंग्स सो यू हैव टू वर्क दैट वे. नॉट दैट टैरो वाज नॉट इन माय माइंड, बट यस, इसको करने के लिए भी बहुत मेहनत चाहिए होती है. यू नीड लॉट ऑफ सेल्फ क्लेंजिंग ऑल्सो, यू नीड फोकस. बिकॉज मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरी रीडिंग्स के थ्रू पीपल शुड बी हेल्प्ड इन देयर पर्सनल एस्पेक्ट. कुछ उनको अच्छी गाइडेंस मिल जाए दैट मेक्स अ डिफरेंस इन देयर लाइफ. और आई कैन ओनली से दैट हाँ, थोड़ा सा आई ट्राई टू बी मोर रेगुलर विद इट, बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज इन सम ट्रांजेक्शन मोड, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी डिस्कनेक्टेड रही, नॉट फ्रॉम टैरो बट फ्रॉम द सेशंस. सो बट इन फ्यूचर वील ट्राई टू वर्क आउट थिंग्स सो दैट वी आर मोर रेगुलर विद इट एंड पीपल आर हेल्प्ड विद दीज रीडिंग्स एंड गाइडेंस. एक आखिरी सवाल हमें आया है गीतांजलि पांडे से. वो लिख रही हैं कि उन्होंने अभी अभी नई जॉब जो है वो शुरू की है. उन्होंने ये भी कह रही हैं कि उन आपके कहने पे उन्होंने लास्ट टाइम जब स्विच किया था, तो अभी उनको फिर से जो ले ऑफ के बाद जो उनकी जॉब लगी है वो उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं है. तो क्या आगे उनका कुछ हो सकता है कि जो कोई सेटिस्फैक्शन या कुछ ऐसी सेटिस्फाइड जॉब मिले उन्हें? गीतांजलि क्या नाम है इनका? पांडे. तकरीबन 8 महीने पहले गीतांजलि जी को जॉब में बड़ा अच्छा हो रहा था. शी गॉट अ गुड न्यूज़ और बहुत अच्छा चल रहा था. इन्होंने पिछले 6 महीने में खुद ही अपने फाइनेंसेस के साथ थोड़ी छेड़खानी की. मे बी शी इज़ वेरी मैग्नानिमस एंड लार्ज हार्टेड, कि कोई पैसा वैसा बांटा भी है. एंड देन अगेन कॉम्पिटिटर्स हैं इनके. 5 महीने से थोड़ी राइवलरीज चल रही हैं, जिसकी वजह से सम नेगेटिविटी आई सी. सो राइट नाउ आई वुड से जो इनकी अभी सेटिस्फैक्शन लेवल उतना नहीं है जैसे होना चाहिए. जी सो अगर इनका दोबारा, इफ़ शी वॉन्ट्स टू टेक अ रीडिंग, अगर ये चाहती हैं कि दोबारा ये नेक्स्ट कौन सी जॉब चाहती हैं, क्या चाहती हैं, दैट आई कैन लुक इन टू. बट फॉर दैट यू नीड अ डिटेल्ड रीडिंग. बट करंटली आई कैन सी दैट शी हैड एवरीथिंग नाइस, बट इन्होंने खुद भी थोड़ा सा सम वर्बल कॉन्फ्लिक्ट हैज़ हैपेंड एट द वर्क प्लेस, जिसकी वजह से ये डिससेटिस्फाइड है. तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. तो जाने से पहले मैं भी एक सवाल जो है अपने लिए रखना चाहता हूँ. और मेरा सवाल यही रहेगा कि मैं 31 साल का हो गया, मेरी शादी कब होगी? आप 31 साल के होंगे. वैसे यू नो दीज डेज इट्स अ नरेटिव इज दैट मैरी वाइज नॉट अर्ली. पास्ट में आपकी अपनी शादी को लेके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स रह चुके हैं. आपने जी सोचा कि मतलब मैं शादी करके कोई रॉयल पोजीशन में आ जाऊँगा. विद इन 1 ईयर यू विल फाइंड अ गुड मैच. लाइक आई सेड, वट एवर यू हैव ड्रीम्ड ऑफ यू विल मैनिफेस्ट इट. बट कमिंग 5 मंथ्स अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. कोई ऐसी चॉइस ना आप कर लें जिसमें डिजेक्शन आए. 10 महीने के अंदर अंदर आपका रिश्ता पक्का होने के चांसेस हैं, दैट यू विल हैव कंप्लीट फैमिली सेलिब्रेशन. तो यू लाइक 10 महीने के अंदर जो आपका रिश्ता फिक्स होगा, दैट विल बी फुलफिलिंग एंड प्रॉमिसिंग. लोगों के सवाल खत्म नहीं हो रहे, एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं. सोमदत्त जी इनका नाम है. तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कम से कम 18-19 साल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को दिए, बट एट दी एंड उनको वहां से भी धोखा मिला और अब उन्होंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है. उनका फ्यूचर आगे क्या कैसा है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? सोमदत्त जी का फ्यूचर
क्या सोमदत्त जी ने ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 6 महीने ज्वाइन की है? 6 महीने में ज्वाइन की है? हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में खास कुछ मिला नहीं, इन्होंने उन्हें तकरीबन छोड़ सिक्स मंथ्स सिक्स मंथ्स बैक ही ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड कमिंग 6 मंथ्स जो ये ऑर्गेनाइजेशन को देंगे, इनको इस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अच्छी पार्टनरशिप, लॉयल्टी, यू कैन से लव, अफेक्शन, और एक होता है ना दैट ऑर्गेनाइजेशन वुड एक्नॉलेज एंड रिकग्नाइज हिज वर्क. तो जहाँ पे वो काम करें, इट विल बी लाइक इट हैज़ एंजल ब्लेसिंग्स ऑन इट, इट विल बी अ ब्लेस्ड जॉब. लेकिन ये खुद अगले 2 महीने में कन्फ्यूज होंगे, बट कमिंग 9 मंथ्स थिंग्स वुड बी सेटल. दिस ऑर्गेनाइजेशन विल पे हिम ऑफ वेल, ही विल फाइंड हिमसेल्फ इन अ गुड इंडिपेंडेंट पोजिशन. सो दिस ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल वुड बी वेरी लॉयल टू हिम. जितना ही उनको देंगे उससे ज़्यादा ही ऑर्गेनाइजेशन इनको वापस. वो लिख रहे हैं कि उनको फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ. इनके जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं किसी की तीखी ज़ुबान की वजह से हैं. सम एल्डर पर्सन इन द फैमिली जिसने बहुत अपने कमांडिंग पोजीशन में किया, बट ही नीडंट वरी. नेक्स्ट 8 मंथ्स ही विल हैव अ गुड न्यूज़. नेक्स्ट 6 मंथ्स ही विल हैव सम टाइम ऑफ सेलिब्रेशन इन द फैमिली. ये प्रॉब्लम्स ठीक हो रही होती दिख रही है. तो आई होप आप सबके सवालों का जो जवाब है वो सही से आप लोगों को मिल गया होगा. इस तरह के और भी टैरो सेशंस जो है हम आपके लिए लेते आते रहेंगे, और हम आशा करेंगे कि डॉक्टर हर्षदीप जोशी जो है और रेगुलर बेसिस पे और थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ा दें सेशंस की, ताकि हमारे दर्शकों को जो है इस तरह के सेशंस और भी मिलते रहें. उसके लिए जम्मू वालों को मुझे एक यहाँ पे नौकरी क्रिएट करके देनी पड़ेगी. तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें तो चलो चलती रहेंगी, हम सोचेंगे इसके बारे में भी. तो इसी तरह के लिए और सेशंस के लिए आप हमारे से जुड़े रहिए. हमारे फेसबुक चैनल पे आके हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि इस तरह के लाइव टैरो कार्ड सेशंस जो हैं वो और भी इन फ्यूचर होते रहेंगे, और इसी तरह की और भी जो खबरें हैं हम आप तक पहुँचाते रहेंगे. तब तक के लिए आप देखते रहिए JK News Today. मैं मुक्ति शर्मा साइनिंग ऑफ विद काका राम.